अपराध कई जिलों में महिलाओं से रेप, औरैया में होटल में किशोरी से गैंगरेप, बरेली में अधेड़ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। केस दर्ज हुआ है गोंडा में दो छात्राओं को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई। देवरिया में दूध लेने गई 7 वर्षीय बच्ची से रेप की घटना हुई है। जौनपुर में कशी खेलने जा रही महिला से गैंगरेप की घटना। तो लगातार देखिए यूपी में महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेप की घटनाएं सामने आई। औरैया में होटल में किशोरी से गैंगरेप किया गया, इसके बाद बरेली में अधेड़ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, केस भी दर्ज हुआ। वहीं गोंडा में दो छात्राओं को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। तो ये शर्मनाक खबरें देखिए सामने आ रही है। यूपी के कई अलग जिलों से देवरिया में दूध लेने गई 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ। कहा जा रहा है कि जौनपुर में कजरी खेलने जा रही महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई। तो यूपी में देखिए महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरह के अपराध और रेप की घटनाएं भी बढ़ती जा रही। कई जिलों में महिलाओं से रेप हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरह की देखिए घटनाएं सामने आई। औरैया में होटल में किशोरी से गैंगरेप हुआ, इसके बाद कहा जा रहा है कि बरेली में अधेड़ ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, केस भी दर्ज हुआ है। तो शासन प्रशासन के सख्ती के बावजूद भी महिलाओं पर अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में देखिए लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है। अलग अलग जिलों से कई ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि यूपी में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। तो शासन प्रशासन के सख्ती के बावजूद भी देखिए अपराध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के आरोपी, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की तबीयत खराब होने की शिकायत पर रात्रि में हॉस्पिटल ले जाते समय आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। आरोपी की खोजबीन के लिए 3 टीमें बनाई गई। रात्रि में ही सोनू घाट क्षेत्र में खोजबीन के लिए लगाई गई टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे गिरफ्तार कर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। अपराध बढ़ता ही जा रहा है, कई ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए हम आपको अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे किस तरीके से महिलाओं के प्रति जो है यूपी में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। बच्ची, किशोरी, महिला, बुजुर्ग सभी पर खतरा बना हुआ है। कहा जा रहा है कि महिलाओं से रेप, फसलों की छेड़खानी की घटना सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए देवरिया से। मनीष, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश भी देते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। मैं आपको बता दूं, देवरिया जनपद में कल एक मासूम बच्ची के साथ एक दुकानदार है, जो उसने एक दुकान खोल रखी थी, उसका नाम है सैफुल्ला। वो लड़की जो है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है, वो दूध लेने के लिए जा रही थी कि उस दुकानदार ने उस बच्ची मासूम बच्ची को अपने दुकान के अंदर बुलाया और उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया। जैसे ही बच्ची चिल्लाई, लोगों ने अगल बगल के लोग उसे जो है उस दरिंदे के चंगुल से छुड़ाया और उसके बाद पुलिस को फोन करके उन्होंने उसको सौंप दिया। लेकिन ये दरिंदा इतना निकला कि जो है पुलिस के गिरफ्त होने के बाद भी इसने एक बहाना बनाया कि मुझे जो है आज बीमार हो गया हूँ और लॉकअप में बंद था, उस समय उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। पुलिस जैसे उसको अस्पताल ले जाने का प्रयास करती है कि बीच रास्ते से ये आरोपी भाग जाता है, उसके बाद पुलिस इसकी छानबीन करती है और कड़ी मशक्कत के बाद सोनू घाट चौराहे से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही इसको गिरफ्तार करने पुलिस जाती है, उसके जवाब इसने फायरिंग शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस के मुठभेड़ में इसके दाहिने पैर में गोली लगी। तो किस तरह से देखा जाए कि देवरिया पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही भगा, उसके 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा लगातार इस केस को देखते रहे, लेकिन जिस तरह से कल ये मोहल्ले में घटना हुई, उस मोहल्ले में लगातार पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और देवरिया के जो सलभमणि विधायक हैं, सलभमणि त्रिपाठी, ये भी मौके पर पहुंच गए थे। एक तनाव की स्थिति थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से ये घटनाएं होने से बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो दरिंदगी आरोपी कर रहा था, ये बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन एक जो मासूम बच्ची की कहा जाए तो इस दरिंदे के हाथों से वो बच गई। जी
जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद शर्मनाक घटना है, प्रशासन के द्वारा और क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, प्रशासन के तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, भारत प्रशासन ने तत्काल इसे गिरफ्तार कर लिया और उसको जैसे ही गिरफ्तार करके थाने ले आई और ये आरोपी भागने में जो इलाज के लिए उसने बहाना बनाया कि मुझे तबीयत खराब है और इलाज के लिए पुलिस ले जा रही थी तो अचानक इसने भाग गया। उसके बाद पुलिस ने उसको तत्परता से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की, लेकिन जैसे ही गिरफ्तार करने देर रात पहुंची उसने जवाबी फायरिंग में उसने जो है फायर कर दिया और पुलिस के ऊपर, पुलिस ने जवाबी फायरिंग में के उसके उसके दाहिने पैर में गोली लगी और इस समय वो अस्पताल में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, लेकिन इस तरह से जो दरिंदा है ऐसा बताया जाता है कि इसने पूर्व में भी इस तरह की कुछ घटनाएं की थी जो इसमें जेल में भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो शर्मनाक घटना इस मोहल्ले में सदर कोतवाली में हुई है। तो कहीं ना कहीं देवरिया के एसओजी बाजार पुलिस और सदर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस आरोपी को गिरफ्तार करा, जेल की कार्रवाई भी जुट गई। जी मनीष, पीड़ित परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीड़ित परिवार के लोग जो हैं उन्होंने तहरीर दे दिया है, उस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई ढिलवाई नहीं की, तो जिस तरह से जो परिजन है उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी बच्ची के साथ दुराचार होने से बच गया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस ने एक अच्छा काम किया कि तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से कोई उनके परिजनों की तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन परिजनों ने इस मामले में तुरंत जो है मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस के तत्परता देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और क्या कुछ बयान सामने आया है? जी देखिए, चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मोहल्ले की बात थी, तनाव की स्थिति थी, लेकिन इस तरह से पुलिस ने जो गिरफ्तारी से जरूर कर लिया, लेकिन उस माहौल की बात करें तो वहां पे जो है पूरी पुलिस फोर्स उसके घर पे लगाई गई है, आरोपी के घर पे भी पुलिस फोर्स काफी तैनात है मोहल्ले में कि किसी तरह की कोई बात ना हो, लेकिन इस समय देखा जा रहा तो शांति व्यवस्था है। लेकिन पुलिस की तत्परता से मोहल्ले वासियों का भी साफ तौर से कहना है कि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाई है, कोई एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। जी जी मनीष, करीब कितने बजे की पूरी घटना बताई जा रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि घटना कल सुबह 8 बजे के लगभग की है और जैसे बच्ची जा रही थी, लेकिन जो है सुबह 8 बजे दूध लेने मार्केट जा रही थी उसी समय की घटना बताई जा रही है, लेकिन जैसे इस पुलिस को सूचना लगी पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई। जी जी, बच्ची की उम्र कितनी वर्ष की बताई जा रही है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मासूम बच्ची है लगभग इसकी उम्र जो है लगभग 7 वर्ष उम्र है, और ये जो है ये किराए के मकान में इसका परिवार रहता था और इसके पिता किसी की गाड़ी चलाने का काम करते हैं। जी जी, जैसा कि आपने बताया कि पीड़ित परिवार जो है किराए के मकान में रहता है, बच्ची दूध लेने गई थी और बच्ची ने आके इस पूरी घटना को परिवार के बारे में जानकारी दी, इसके बाद से परिवार ने शिकायत की। जी जैसे ही जो जो परिवार के जनों अपने मोहल्ले के लोगों ने इस बच्ची को उसके दरिंदे के चंगुल से छुड़ाया और आप बीती अपनी रोते हुए अपनी बात बीती अपने बाप पिता को बताती है लड़की, उसके बाद इसमें पूरे मामले पर एक्टिव होती है पुलिस और उसे जो है गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, कई जिलों में महिलाओं से रेप, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वह लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के निर्देश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, शर्मनाक घटनाएं। अभी देखिए हाल ही में किस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है लगातार, उसको लेकर प्रशासन की सख्ती भी है और अलग अलग जिलों से हम आपको अलग अलग वारदात के बारे में बता रहे हैं। और हमारे साथ देखिए संकल्प शर्मा, एसपी देवरिया हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। लगातार जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह के निर्देश देते हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, शासन प्रशासन की बड़ी सख्ती है, इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग देखिए पूरा कोशिश कर रहे हैं इस तरह के अपराध को रोका जाए, प्रिवेंशन की हमारी पूरी कार्रवाई रहती है, एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे एक्टिव हैं और फिर भी अगर अपराध होता है तो कड़ी कार्रवाई हम लोग उन अपराध में नियमानुसार करते हैं।
जी देखिए, अभी हमारे सहयोगी ने देवरिया से घटना बताई जहां पर 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म होते होते बच गया। लगातार कई तरह की ऐसी घटनाएं आती है, हर रोज हम लोग देखते हैं और हम लोग हर रोज वो खबर भी बनाते हैं और लोग दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। मैम, इस प्रकरण में जो आप बता रहे हैं कल का प्रकरण है, तत्काल जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने मौके पर पहुंचा और जो परिजनों ने जो कंप्लेन किया था उसके बेसिस पर रेलिवेंट सेक्शन में हम लोगों ने FIR किया और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हम लोगों द्वारा कर ली गई। जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती अब वो देते हुए नजर आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हमेशा वो बात करते हैं बड़ी सख्ती के साथ। वो कहते हैं कि महिलाओं और बेटियों पर भी जो भी गंदी नजर रखेगा उसको बीच चौराहे पर लटका दिया जाएगा, लेकिन लगातार ऐसी रोज घटनाएं सामने आती हैं। सर, मैंने जैसे बताया कठोर से कठोर कार्रवाई हम इस तरह के प्रकरणों में करते हैं और जो प्रकरण अभी रिसेंटली देवरिया में हुआ है इसमें भी हम लोगों द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।